मैं अभी ये नामांकन भरने आए हैं कुंदन भाई। हाँ वही हूँ मैं। हाँ एसडीएम कार्यालय। तेरा बंदे कहाँ है टीम वाले? फाइनली जो है मध्य प्रदेश के खंडवा विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी कुंदन मालवीय अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस समय जो शुभ मुहूर्त में नामांकन की प्रक्रिया थी उसको संपन्न करने के लिए खंडवा विधानसभा रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस आ चुके हैं। ढोल ढमाके शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस शहर अध्यक्ष मुनीश मिश्रा, अवधेश सिसोदिया और आपको बता दें कि खुद जो है कुंदन मालवीय की अर्धांगनी प्रियंका कुंदन मालवीय सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता इस समय हुकुम वर्मा जी और अमरेश पांडे जी सभी कुंदन काका सभी इस समय जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस की तरफ बढ़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की भी आपको बता दें कि पुख्ता व्यवस्था है और पुलिस जो है मुस्तैद है ताकि किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस उत्पन्न ना हो। और बाहर से भी जो है अच्छा सोनी जी हैं। आपको बता दें कि नामांकन प्रक्रिया का एक हर जो प्रत्याशी रहता है वो शुभ मुहूर्त में अपना जो पंडित द्वारा निकाला होता है उसको लेकर 5 लोग ही जा सकते हैं अंदर। तो 5 लोग जो हैं वो अंदर प्रस्तावक कौन है? प्रियंका कुंदन मालवीय जो है उनकी प्रस्तावक हैं, अर्धांगनी हैं और किसी भी महिला का पुरुष के जीवन में उसको सफल बनाने में खासकर जो पत्नी होती है महिलाएं होती हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। और प्रियंका कुंदन मालवीय इस समय प्रस्तावक के तौर पर अपने पति के साथ मौजूद हैं और बाकी जो कार्यकर्ता हैं उन्हें पुलिस ने वहां रोक दिया है। इसका कारण है कि 5 ही लोगों का नियम है। हृदेश वाजपेयी के साथ जो है प्रणेंद्र रांका वो इस समय लीगल एडवाइज़र हैं और प्रशासन की टीम भी मौजूद है, पुलिस विभाग की टीम भी मौजूद है, किसी का इंतज़ार हो रहा है। पुलिस ने बैरिकेटिंग कर दी है। चुनाव आयोग के सख्त निर्देश हैं उसका पालन जो है खंडवा पुलिस प्रशासन करा रहा है। मुस्लिम समुदाय के शेख शब्बीर और अन्य नेता भी जो हैं वो इस समय मौजूद हैं। बोहरा समाज के लोग भी हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं सक्रिय कार्यकर्ता हैं समर्पित कार्यकर्ता हैं वो इस समय यहाँ मौजूद हैं। दोस्तों आपको बता दें कुंदन मालवीय है जिनके लिए कहा जाता है कि ये बहुत हार्ड व्यक्ति हैं, एक स्लीपर पहन के आए हैं। वैसे आपको बता दें जो कुंदन मालवीय के समर्थक हैं वो इनके बारे में कहते हैं कि नारियल हैं, जहाँ जनता की बात आए वहाँ ये सख्त हो जाते हैं और वैसे दिल के मन के नरम हैं और मजबूत व्यक्ति हैं, हड़का के काम कराने वाले व्यक्ति हैं। जहाँ जनता की भावनाएं हो, विकास की बात हो, वहाँ किसी को भी हड़काने में ये देर नहीं लगाते और अच्छे मित्र भी हैं लोगों के, ऐसा इनके समर्थकों का मानना है। फिलहाल बड़े साधारण तरीके से जो 12:30 बजे इनके पंडित द्वारा दिया गया समय है उस पर ये नामांकन आज फॉर्मल भरने आ रहे हैं। उसके बाद फिर एक बार नामांकन भरने आएंगे बड़े ही भव्य तरीके से, ऐसा समर्थकों का मानना है। फिलहाल जो है वकील प्रणेंद्र रांका का इंतज़ार किया जा रहा है और उसके बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू करेंगे। हुकुम भैया आप भी जो है वो दावेदारी कर रहे थे और बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने दावेदारी की और पार्टी ने कुंदन भाई को मौका दिया, आप बकायदा यहाँ पे नाचते गाते बड़े अच्छे मूड में और बड़े खुशी से यहाँ पे आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? पार्टी के आदेश का पालन करेंगे, पार्टी ने जिसको टिकट दिया हम उसके साथ में पूर्ण रूप से पूरी ताकत से उसके साथ में लगेंगे। ये हैं हुकुम वर्मा जी जिन्होंने दावेदारी पेश की थी और बड़े ही मजबूती से दावेदारी पेश की थी।
खंडवा शहर में अगर सबसे ज़्यादा किसी के फ्लैक्स बैनर थे तो वो हुकुम काका के थे। और ये कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, इनका कहना है पार्टी जिसको भी मौका देगी उसके साथ दमखम से लगेंगे, धन से, मन से, तन से। और ऐसा ही प्रतीत भी हो रहा है। इसका कारण है इस समय कुंदन भाई के साथ जो लोग नामांकन प्रक्रिया में दाखिल हो रहे हैं उनमें हुकुम वर्मा जी भी हैं और डॉक्टर मुनीश मिश्रा हैं, शहर अध्यक्ष हैं, मुस्लिम समाज के काका हैं, और प्रस्तावक प्रियंका कुंदन मालवीय भी जो हैं वो इस समय नामांकन प्रक्रिया के लिए जा रहे हैं। और बाकी समर्थकों को पुलिस ने नियमों के तहत बाहर रोक दिया है। और गांधी भवन में काफ़ी संख्या में समर्थक पहुंचे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे थे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक्साइटमेंट है और नामांकन प्रक्रिया जब करके आएंगे उसके बाद आपसे फिर बात कराएंगे। आपको बता दें जो भी नामांकन भरने आएगा उसे कलेक्ट्रेट तरफ से नहीं आना है, जेल रोड तरफ से आना है। मीडिया के साथ ही उस दूसरी तरफ पहुंच गए हैं गलती से और अब मुंह उठा उठा के देख रहे हैं हमारे भाई लोग। और जो है पुलिस की पुख्ता व्यवस्था है, कोतवाली थाना प्रभारी अंदर से पूरी नज़र रखे हैं और पद्मनगर थाना प्रभारी मिस्टर चौहान बाहर से नज़र रखे हैं। ये SDM ऑफिस यानी रिटर्निंग ऑफिसर का कार्यालय है और अंदर जो है जो एक मुहूर्त के हिसाब से फॉर्मल नामांकन होता है आज उसकी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जो कुंदन भाई के साथ अंदर जा रहे हैं मुस्लिम समाज के शेख शब्बीर, पुराने कांग्रेस के नेता हैं और समर्पित कार्यकर्ता हैं, हर समाज के और हर वर्ग के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के पक्के सिपाही हैं। वो पार्टी किसी को भी मौका दे, दाएं बाएं नहीं होते। प्रणेंद्र राखा जो वकील हैं, जो इनके लीगल एडवाइज़र हैं, उनका इंतज़ार किया जा रहा है। इसी तरीके से पल पल की पॉलिटिकल अपडेट देखने के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम आपको उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, खंडवा की गली गली, गांव गांव से पॉलिटिकल अपडेट देने वाले हैं। जनता का क्या मूड है, आपका क्या मूड है, क्या मुद्दे हैं और कौन कौन मैदान में है, हर चीज़ की जानकारी आपको देने वाले हैं। नामांकन के लिए अंदर जा रहे हैं और मीडिया वालों को बोला गया है अभी रुक जाओ। इस मीडिया वालों को इसकी आदत भी है रुकने की, रुक जाओ हाथ आने की, आदेश का पालन। हालांकि चुनाव आयोग के निर्देश हैं, पुलिस अधिकारी उसी का पालन करा रहे हैं। हमारे नितिन झंवर मेहनत करते हुए, बहुत मेहनती लड़का है, खंडवा मीडिया का स्टार है। मीडिया के सभी साथी एक्टिव हैं, स्वाभाविक है एक्टिव रहना भी पड़ेगा। हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, मीडिया के साथी अपना काम कर रहे हैं। और नामांकन प्रक्रिया का जो एक फॉर्मल है जिसको कहें मुहूर्त के हिसाब से, आजकल दो दो नामांकन होते हैं, एक मुहूर्त के हिसाब से और एक एक्चुअल नामांकन जिसको बोलते हैं। 50% 40% टास्क अभी कर लेते हैं, उसके बाद रेस्ट यानी बचा हुआ टास्क बाद में करते हैं। मीडिया का जमावड़ा है, पुलिस अधिकारियों का जमावड़ा है और ये प्रशासनिक व्यवस्था के जो लोग हैं, अलग अलग विभाग के कर्मचारी हैं, वैसे ये जनरली जो है राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं। ये भी अपने भावी विधायक, हालांकि ये जनता डिसाइड करेगी, पर जो है वो इस समय देख रहे हैं कि किसका कैसा माहौल है। माहौल जानने का हर कोई प्रयास कर रहा है क्योंकि माहौल का बहुत बड़ा रोल रहता है सिलेक्शन में। जनता का मन माहौल से बनता है बहुत हद तक, और बहुत सारे लोग जो विचारधारा के पक्के होते हैं उन्हें माहौल वाहौल से, किसी के भाव से, किसी की ताव से, प्रत्याशी से कोई लेना देना नहीं, वो उनकी विचारधारा के हिसाब से वोट करते हैं। फिलहाल जो लोकेशन है वो खंडवा SDM ऑफिस यानी खंडवा रिटर्निंग ऑफिसर, यहीं पे नामांकन सबके दर्ज होंगे। जो लोग आगे नामांकन दर्ज करने आएंगे वो जेल रोड से आएँ, कलेक्ट्रेट वाली तरफ से ना आएँ क्योंकि यहाँ बैरिकेटिंग है, बिल्कुल बंद है। और इस तरफ से आपको आना पड़ेगा, तहसील कार्यालय वाली तरफ से, तहसील ऑफिस वाली तरफ से, जेल वाली तरफ से। हाथ हिलाकर हमारे दर्शक हैं, खंडवा के सम्मानित नागरिक हैं और सरकारी सिस्टम का हिस्सा भी हैं, वो अभिवादन कर रहे हैं। काकू के मालिक ही जनता है आपको बता दें। और सुबह से ही जो है पॉलिटिकल मूड माहौल दिखाने के लिए हम आपके लिए निकल जा रहे हैं और बहुत ही शानदार कवरेज देने वाले हैं, आप बने रहिएगा। आपको बता दें कि बहुत बड़ी टीम काम करेगी पंधाना विधानसभा क्षेत्र में, मांधाता में, खंडवा में और हरसूद में, सभी जगह हम जो है आपके बीच आने वाले हैं, आपसे बात करेंगे,
सब जगह अपनी बात थोपी जाती है, लेकिन जनता क्या चाहती है, जनता का क्या इंटरेस्ट है, जनता के क्या मुद्दे हैं, जनता किस तरह से देखती है, ये सब बातें जो हैं हमारा विशेष फोकस रहेगा। अभी क्योंकि चुनावी प्रोसेस है, सब लोग अपनी नामांकन प्रक्रिया में और जो कबड्डी चल रही है उसमें लगे हुए हैं, दो चार दिन में सारी चीज़ फिल्टर हो जाएंगी, उसके बाद फिर जो है हम मैक्सिमम टाइम आपके बीच में देने वाले हैं। तो आप काकू के साथ बने रहिएगा और आपका जो प्यार मिलता है, सहयोग मिलता है, उसके लिए हम आपका हमेशा आभारी रहेंगे, आपकी आपका प्रेम यूं ही बना रहे। और अब जो है आपको बता दें, जो प्रक्रिया चल रही है अंदर नामांकन भरने की, उसको लेकर जब बाहर आएंगे तो वो कोशिश करेंगे, आपकी बात भी हम कराएंगे कि जिस तरीके का माहौल है, शहर अध्यक्ष मनीष मिश्रा से बात कराने की कोशिश करेंगे, कुंदन मालवीय से बात कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस समय जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रत्याशी के लिए चीज़ें आसान नहीं हैं, विरोध के स्वर हैं, नामांकन फॉर्म लिए जा रहे हैं, इन सब विषयों पर कोशिश करेंगे, अगर जवाब देंगे तो बात कराएंगे आपकी।